और वहां पे सोल का क्लैश होता हुआ टीम बूम के साथ गाइस। सो ये थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि टीम सोल इज फाइटिंग विद टीम बूम राइट नाउ एंड सोल सांगवान थोड़े से खतरे में आते हुए ट्री का कवर मिला हुआ है बस उनको। सोल सांगवान ने वहां पे बूम के एक प्लेयर को नॉक किया है एंड वहां पे उसी वक्त उन्होंने एक कवर चेंज करते हुए सोल सांगवान अपने रिमेनिंग प्लेयर्स के साथ वहां पे रीग्रुप होते हुए एंड टीम सोल इज ट्राइंग टू ओवरकम ऑन टीम बूम राइट नाउ। एक प्लेयर को ऑलमोस्ट यहाँ पे डैमेज दे चुके हैं बट यहाँ पे मॉर्टल यहाँ पे थोड़ा सा नॉक होते हुए मॉर्टल जल्दी से वहां पे अपने आप को एक कवर पे ले लें। सांगवान वहां पे अकेले दो प्लेयर्स के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की है बट आई थिंक सांगवान को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। वहां पे सांगवान ने वहां पे एक और प्लेयर को नॉक करते हुए एंड आई थिंक यहां पे दोनों प्लेयर्स राइकी ऑलमोस्ट वहां पे नॉक हो रखे हैं। इज दैट नो राइकी वर्सेस सोल सांगवान राइट नाउ एंड वहां पे सांगवान दो प्लेयर्स को नॉक करते हुए एंड यहां पे अपनी टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए बूम के प्लेयर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत बढ़ चुकी है। आई थिंक यहां पे टीम बूम विल फॉल बैक विद टू प्लेयर्स रमोनीज एंड गॉडनीज वहां पे पीछे फॉल बैक करते हुए यहाँ पे वाइपर मेक श्योर कर रहे हैं कि वो नॉकआउट वाले प्लेयर्स खत्म हो जाएं एंड दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे खत्म किया जा रहा है बट बूम के रमोनीज वहां पे दिखते हुए वाइपर का बहुत ही प्यारा शॉट आता हुआ वहां पे स्प्रे आता हुआ एंड पीछे से रिगल टॉस का एक कवर शॉट आता हुआ वहां पे मेक श्योर करता है कि टीम बूम के एक और प्लेयर यहां पे बचे हुए दैट इज गॉर्डन ईस्ट और उनको यहां पे पूरा सामना करना पड़ेगा सोल की टीम के चारों प्लेयर्स का। सो दैट इज अ फुल स्क्वाड। लेट्स सी गॉडन ईस्ट यहां पे क्या कर पाते हैं और यहां पे टीम सोल गॉडन ईस्ट के ऊपर चढ़ती हुई बट उससे पहले यहां पे सोल रेगल टॉस ने उनको पूरा यहां पे खत्म कर दिया एंड अगेन यहां पे मॉर्टल को नॉक किया एलिमेंट की टीम ने एलिमेंट के गब्बर ने। तो एलिमेंट की टीम के पीछे एक्चुअली जोन आ रहा है और उनको यहां पे निकलना है और यहां पे मेक श्योर करना है कि मॉर्टल यहां पे गेम से अभी बाहर ना हो बिकॉज स्टिल 12 टीम्स आर सर्वाइविंग राइट नाउ। सो लेट्स सी सांगवान यहां पे मेक श्योर कर रहे हैं कि एलिमेंट के प्लेयर्स क्योंकि उनको पता चल चुका है कि किस साइड से उनको शॉट पड़ा है सो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। टीम सोल वर्सेस टीम फनाटिक हमें किसी भी पल देखने को मिल सकता है। यहां पे टीम फनाटिक के प्लेयर्स आ चुके हैं रेगल टॉस के राइट साइड पे परितोष आ चुके हैं रेगल टॉस को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आई थिंक उन्होंने यहां पे फुटस्टेप सुन लिया यहां पे 1v1 होता हुआ परितोष को यहां पे नॉक कर दिया है एंड वहां से सांगवान भी आते हुए ओवेस की तरफ से। सो यहां पे लेफ्ट एंड राइट फाइट हो रही है गाइस आप लोग अगर देख सकते हो रेगल टॉस वहां पे ऊपर चढ़ते हुए एश के साथ 1v1 करते हुए मॉर्टल भी पीछे से आते हुए एंड यहाँ पे सांगवान ने एक प्लेयर को और नॉक कर दिया। फनेटिक की टीम यहाँ पे ओब्लिरेट होते हुए गाइस यहाँ पे रौनक अकेले बचे हुए रौनक के साथ खत्म होते हुए टीम सोल पूरी फनेटिक के ऊपर चढ़ के एंड यहाँ पे वाइप आउट कर दिया है पूरी टीम फनेटिक को एंड यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा सांगवान को। यहाँ पे ये नेड एक्चुअली किस तरफ से और वहां पे सांगवान ने स्पॉट किया जीब्रा को और उनको नॉक करा यहाँ पे। ओ माय गॉड यहाँ पे व्हाट अ क्लीन स्पॉट और सांगवान ने वहां पे M24 से डॉग को भी नॉक किया। तो सांगवान को ऑलरेडी पता चल चुका है कि दिस इज देयर ओल्ड टीम एंड दे नो हाउ दे प्ले। सो सांगवान ऑलरेडी एक ऐसी टीम के साथ सामना कर रहे हैं जिनके साथ वो पहले भी खेल चुके हैं और उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा उनको रीड करने के लिए बट एक प्लेयर और है जिनको मॉर्टल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज स्कॉट। तो लेट्स सी क्योंकि बाद में स्कॉट उनके लिए बहुत घातक हो सकता है और यहाँ पे मॉर्टल मेक श्योर कर रहे हैं कि उनके प्लेयर पूरे खत्म हो और स्कॉट यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं बट आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट ड्रॉपिंग और वहां पे मॉर्टल ने उनको पूरा खत्म करके माना है बट आगे थोड़ा देखना पड़ेगा। सांगवान को वहां पे नॉक कर दिया गया वाइपर आगे जा रहे हैं डार्क है वहां पे तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। वाइपर के हाथ में यहाँ पे स्कारल है एंड आई थिंक दिस 1v1 हैज टू बी कंप्लीटेड राइट नाउ बिकॉज एक प्लेयर और जिंदा हो गया तो वाइपर के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी और आई थिंक वहां पे बॉम्बर को उन्होंने रिवाइव कर दिया है एंड यहां पे थोड़ी सी दिक्कत होती हुई। लेट्स सी व्हाट विल हैपन राइट नाउ गाइस वाइपर मॉर्टल यहां पे क्लोजिंग करते हुए वहां पे वाइपर आ चुके हैं वाइपर ने वहां पे नॉक किया दोनों प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं अपने शॉट से एंड इट्स बिटवीन मॉर्टल वर्सेस डार्क राइट नाउ एंड उनके रिमेनिंग प्लेयर्स अगर आ जाते हैं जल्दी से तो। सो यहां पे आ चुके हैं डार्क ऑलरेडी कवर ले चुके हैं बट कितनी देर तक डार्क यहां पे रोक पाएंगे या कितना डैमेज दे पाएंगे डार्क यहां पे अपने AKM के साथ वी हैव टू सी। मॉर्टल यहां पे आ चुके हैं मॉर्टल गेम सेंस को यहां पे बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं और वहां पे एक और खत्म करा मॉर्टल के साथ फाइट होती हुई दो प्लेयर्स को आई थिंक नॉक किया गया यहां पे एंड दिस वॉज द एंड ऑफ टीम ब्रॉलर्स। मॉर्टल यहां पे रुकने का नाम नहीं ले रहे अपनी टीम के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं एंड दिस वॉज द एंड ऑफ टीम ब्रॉलर्स एज वेल। तो गाइज बूम्स फनेटिक ब्रॉलर्स जो भी टीम सोल के सामने आ रहा है दे आर लिटरली गोइंग डाउन। सो टीम सोल इज ऑन अनदर फॉर्म राइट नाउ।
सो गाइस टोटल 6 टीम्स बची हुई हैं एंड टीम सोल अपना वहां पे मूव करते हुए एंड आई थिंक सांगवान यहां पे रेगल्टोस ने वहां पे आईएनएस के ओरियन को नॉक करके खत्म कर दिया है एंड यहां पे आगे बढ़ते हुए अलादीन के साथ फाइट हो रही है उनकी। सो लेट्स सी सांगवान की यहां पे आईटी प्रिंस के साथ सामना होता हुआ एंड यहां पे 1v1 होता हुआ आईटी प्रिंस को भी बाहर कर चुके हैं सांगवान, यहां पे अलादीन को भी स्पॉट कर लिया एंड अलादीन को भी गेम से बाहर निकालते हुए सोल सांगवान एंड सोल रेगल्टोस का कंटिन्यूअसली शॉट्स यहां पे टीम एलिमेंट एंड टीम INS को भी खत्म करते हुए 3 टीम्स बची हुई है एंड यहाँ पे MYM बिलीव को भी शॉट देते हुए रेगल्टोस, बट रेगल्टोस को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, दैट वाज टीजी सीबो जिनके शॉट आ रहे थे। एक प्लेयर बचे हुए, इट्स 4v1 राइट नाउ गाइस, इट्स आई थिंक 3v1, एक प्लेयर खत्म हो चुके हैं सोल के और वहां पे MYM बिलीव को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनका सामना टीम सोल के साथ हो रहा है जो आज रुकने का नाम नहीं ले रही है एंड यहां पे वाइपर अपने M4 के साथ लास्ट प्लेयर को भी खत्म करते हुए एंड दैट वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट मैच ऑफ ईस्पोर्ट्स नेटवर्क Tier 1 स्क्रीम्स। टीम सोल टुक द चिकन डिनर विद नंबर ऑफ 18 किल्स गाइस।